हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑडिटिंग चैप्टर 19 चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, बहुत सारे ओपिनियन होते हैं जो कि ऑडिटर देता है, तो वो ओपिनियंस के थ्रू क्या हुआ है, गया कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, अनक्वालिफाइड और क्लीन रिपोर्ट। ठीक है, जो कि अनक्वालिफाइड हो या तो उसको क्लीन रिपोर्ट कहते हैं। एक होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, हम अपने अलग अलग पार्ट्स में, एक एक पार्ट्स में इसको अलग अलग ब्रीफली क्या करेंगे, इसको अलग अलग पूरा फुल एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बस इसके आपको नाम बता रही हूँ। ठीक है, एक होता है अनक्वालिफाइड और क्लीन रिपोर्ट, सॉरी फ्रेंड्स। दूसरा होता है हमारा क्वालिफाइड रिपोर्ट। तीसरा मात्रा होता है ऑडिट रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ, एडवर्स रिपोर्ट होता है, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट। ठीक है, ये एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो था जिसमें मैं आपको काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा नेम बता दूं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको होता है कि सिर्फ नाम चाहिए होता है, तो इतने तरीके के होते हैं। बाकी हम अपने एक एक पार्ट्स में एक एक पूरा पूरा क्या करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि रिपोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं। अगर आपको वो देखना हो तो आप मेरा नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। ठीक है, आप देखिए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।